इज इट रियली ट्रू या ये एक मिसकंसेप्शन है बेबी बोटॉक्स के बारे में बेबी बोटॉक्स मुझे कोई ऐतराज नहीं है उन्नीस साल की लड़की कराए मुझे कोई ऐतराज नहीं है वो मसल को स्ट्रेंथन करता है ऐसा भी नहीं बोटॉक्स मसल okay. को स्ट्रेंथन नहीं करता खास पॉइंट्स हैं जहां बोटॉक्स लग सकता है hmm. पूरे फेस पे बोटॉक्स ट्वेंटीज में तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता

उसको हटाने में मदद करेगा।

विटामिन डी की टेबलेट ठीक है और एक दो महीना आप पंजीरी डेली डेढ़ चम्मच दो चम्मचि कर को मतलब है, है, तो sure करना था ऐसा ना हो इसके बाद sensitive... हाँ, इसलिए इसमें हंड्रेड गारंटी है की आपको कुछ भी नहीं होगा बाय द वे लोग ये सुन के समझ रहे होंगे की शायद हमारा एज ग्रुप जो है वो ये करा सकता है या जिनकी बहुत ऑयली स्किन है जिनके ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए है। शादियों का सीजन है विंटर्स है स्किन ड्राई है आज हम ड्रामे पे बात नहीं लेट्स फाइंड आउट कि हम क्या करें अपनी स्किन के बारे में जिससे हमारी स्किन ज्यादा बेहतर लग सके हमारे ऑफिस में बातचीत हो रही थी तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो क्या, अगर आप ट्वेंटीज़ में बोटॉक्स कराएं तो क्या वो लेटर ईयर्स में आपको फ़ायदा देते हैं आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये मिथ है या सच्चाई है क्या कोरियन स्किन केयर देसी लोगों के लिए काम करती है या नहीं करती क्या ग्लास स्किन वाकई एग्जिस्ट करती है एंड वट इज़ एल्फ़ा आरब्यूटन आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया सो so, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ हैं इज़ ऑल्सो एन एस्थेटिक्स कंसल्टेंट से हम बात करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे उनके आंसर्स ढूंढेंगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मुझे बहुत मजा आता है जब हुँ। हुँ। होस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा होमवर्क करके आता है और बड़ी मुश्किल से वो नाम निकल जाते हैं जैगेंस जो होते हैं जो टिपिकल टर्मिनोलॉजी तो बहुत मुश्किल है भाई अच्छा और आज आपको तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि आप तो उस जगह पे बैठी है सवाल ये वाली बहुत सी स्ट्रेस वाली है ना ये सही बात है ना सही बात है बट थैंक यू सो मच आई रियली वॉन्ट टू फर्स्ट से थैंक यू बिकॉज आई नो हाउ बिजी यू आर आपके शूट भी चल रहे हैं अपना क्लिनिक भी चल रहा होता है उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं भाई ये और उसमें से आप टाइम निकालती हैं एंड uh, हमारे सारे सवालों के जवाब देती हैं मुझे तो फ्री कंसल्टेंसी मिल रही होती है भाई आई हैव टू से सो दिल से शुक्रिया आपका उसके लिए तो हमारी All ये भी कॉन्वर्सेशन right. बड़े दिन से चल रही थी कि हमने दोबारा एक सिटिंग करनी है और पिछले दो वीडियोस जो हमने की थी शायद वाज जस्ट अबाउट द स्किन केयर नॉट वो जो ड्रामा वाला हमने परदेस पे किया अब हमने सोचा था देसी फूड के ऊपर बात करेंगे वो हो ही नहीं सका लेकिन करेंगे करेंगे जैसे टाइम मिलता है मैं हाँ। खींच के ले आती हूँ फिलहाल इस शो के लिए एक टिप है कि अगर आपके घर में और आप लोग देसी घी नहीं खाते तो प्लीज आ, स्टार्ट करें सुबह निहार मुँह एक चम्मच देसी घी खाना या किसी ब्रेड पे पराठा जो आप खाते हैं उस पर लगा लें अगर वैसे नहीं खा सकते अदरवाइज गर्म पानी में डाल के कॉफ़ी में डाल के जरूर पिए कॉफ़ी में डाल के यस सीरियसली यस टेस्ट सही आता है बिल्कुल सही आता है भाई देख देखिए अब ये पूरी वीडियो आज इज गोइंग टू तो बी वेरी वेरी एंड यूजफुल अच्छा मैंने कभी नहीं सोचा सो गुड फॉर योर गट आपको पता okay. है आफ्टर थर्टी फाइव अब ये पूरी दुनिया में एक आ, बेस लाइन टेस्ट हो गया है क्लोनोस्कोपी लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बेस लाइन वैसे ही लोगों को लोग hmm. तो ब्लड टेस्ट नहीं कराने जाते हैं तो कहाँ तो इसलिए आपकी कोलन अगर ठीक है यानी आपकी गट ठीक है आपका मैदा मैदे से जुड़ी जितनी आते हैं वो ठीक है वो सारा सिस्टम तो आपकी स्किन आपके बाल आपकी हेल्थ हर कुछ अच्छा रहेगा ओके ठीक okay, है चले जी ये तो हमें एक टिप फ्री के मिल गई है शुरू में मुझे ये बताएं आजकल शादियों का सीज़न है जैसा मैंने कहा और yes. दावतें भी इतनी हो रही हैं ड्राइनेस वैसी है तो आप ख़ुद अपनी रूटीन में आपने क्या एक दो चीज़ें चेंज की हैं जो हमारे साथ आप शेयर कर सकती हैं है? चूँकि मैं बहुत टायर्ड पूरे दिन के बाद हो जाती हूँ और मैं बहुत अच्छा सा जो ब्यूटी मेरा रिचुअल्स थे ना ब्यूटी रिचुअल्स का मतलब मॉइस्चराइज़र सन ब्लॉक ये भी अब भूल जाने लगी हूँ लेकिन कुछ दिनों से मैंने किया कि मैंने वाइटमिन सी या रेटिनॉल जो मैं यूज़ करती थी वो मैं रात को जाती थी और मैं सो जाती थी पर अब मैंने दोबारा इस दफ़ा और ट्वेंटी फोर्थ जो आ रहा है अब उसमें मेरी रेजोल्यूशन है अपने आप के साथ कि नहीं नो मोर इग्नोरेंस सबसे पहले मैं उसके बाद कोई और तो मैंने वाइटमिन सी दोबारा रात को लगाना शुरू किया है मैंने रेटिनॉल okay. का यूज़ शुरू कर दिया है और मैंने बहुत सारी डाइट में अपनी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं प्लस ये कि मैं प्रोसीजर्स खुद कर देती हूँ लोग जब आते हैं मेरी क्लिनिक में डॉक्टर्स दूसरों के कर रहे होते हैं मैंने अब अपनी सारी डॉक्टर्स को कहा कि बात सुनो अब हर हफ्ते मैं भी करवाऊंगी <laughs> कुछ ना कुछ हो ही नहीं पाता टाइम ही <laughs> <में> नहीं मिल <laughs> पाता खुद को सही बात हाँ हालांकि आपकी तो अपने घर की खेती है घर की खेती है और रात आठ बजते हैं तो सबको बाकी सारे डॉक्टर्स को जाने की लग जाती है मुझे भी होता है बेटी कॉल कर रही है बेटा कॉल कर रहा है चलो भाई घर तो ये बताएं रेटिनॉल तो बहुत कहते हैं थोड़ा ड्राई कर देती है राइट yes. तो विंटर्स में रेटिनॉल रेटेनॉक्स एक्सट्रा डिपेंड कि आप, एक, आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं अगैन ओवर दी काउंटर प्रोडक्ट्स लेके उसमें आपको ख़ुद नहीं पता कि कितनी परसेंटेज है रेटिनॉल की सही भी है किसी सही चीज़ के साथ मिक्स भी है या नहीं रेटिनॉल को आप डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं okay. तो इंटायरली डिपेंड्स कि आपने किस डॉक्टर से कंसल्टेशन ली है और उसने आपको रेटिनॉल यूज़ करने का तरीका रेटिनॉल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको यूज़ करने का तरीका उसको गलत बना देता है सो so, डाइल्यूट कैसे करेंगे सॉरी मैं बिल्कुल यहाँ पे बेसिक अपने मॉइस्चराइजर में अपनी नाइट okay. क्रीम में हाइलोरॉनिक में जिसमें भी आप डाइल्यूट करके so, सोलोर को मिक्स करना प्लीज okay. yes, 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 okay. okay. yeah. अभी आपने me. एक और नाम भी लिया

आपको कट किया। भाई आर्ब्यूटिन एक ऐसा एजेंट है जो स्किन को आ, जो स्किन पे आप ये कह लें रिंकल्स या डार्क स्पॉट्स सन स्पॉट्स एड स्पॉट्स पर जाते हैं उनको हटाने में आपकी मदद करता है ओके okay. ये एक ऐसा एजेंट है जिसको आपको रात को नहीं दिन में भी लगाए रात में भी लगाएं अगर आपके पास है अच्छा और दिन में भी लगाया जा सकता है okay. जैसे विटामिन सी के लिए हम प्रेफ़र करते हैं कि हम रात में लगा लें रेटिनॉल के लिए प्रेफर करते हैं लेकिन अल्फ़ा आर्ब्योटिन हमेशा दिन में भी आप लगा सकते हैं रात में भी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा है आपके आ, मार्क्स हों आपके सन स्पॉट्स हों इनके लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखता है तो सेलुलर ये सारी चीज़ें वो हैं जो सेलुलर टर्न बढ़ाती हैं ओके तो आप ये सब लेकिन वो पॉइंटेड जगहों पे लगाऊँ या मैं पूरी जगह पे हम लोग लगा हैं आप पूरे फेस पे लगा लें हर पे? जो भी चीज़ होगी वो लाइट होती जाएगी एंड इज इट मिक्स व प्लीज़ वो ओवर दी काउंटर वाला एल्फाइब ही कैरी में कोई प्रॉपर मेड डॉक्टर से एडवाइस लेके वो वाला hmm. लेकिन वो किसी चीज़ के साथ मिक्स होता है या अपने ओन पे होता है वो नहीं वो अपने ओन पे भी होता है उसके साथ हाइड्रॉनिक भी मिक्स कर सकते okay. हैं उसके साथ आप अपनी आ, क्रीम्स भी बहुत सारी क्रीम्स में भी मौजूद होता है बहुत hmm. सारे फेस वॉश में तो अब लोग करने, करने लगे हैं तो स्पेशली जो आज का वेदर है अगर लड़कियाँ जिनकी बहुत ग्रीसी स्किन होती है वो एल्फा एब्यूटिन सेलिस लिक और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एजिलक एसिड एसिड ये वो वाली चीज़ें हैं जो अगर आप कंटेंट में देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन में है आपके क्रीम के या आपके तो, आ, या आपके फेस वॉश के तो जरूर लें इसे और आपकी एक्नी पे भी इट कैन ऑल्सोट जी एल्फाइबिटन एक्नी पे तो इस तरह से एक्ट नहीं करेगा लेकिन हाँ उसके दाग जो होते हैं मास्क जो होते हैं उसमें उसको हटाने में मदद करेगा ओके ठीक है सो अगर तीनों को मैं देखूँ अल्फा हाइरोनिकल्फाइब आप किस को प्रायोरटाइज करेंगी कि मस्ट है <laughs> इसीलिए तो मैं वहाँ ही बैठी यहाँ बैठी सवाल पूछ लूँ आप जब वाइटामिन सी ठीक है तो फिर वाइटामिन सी अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे जिक्र किया था ऑफिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आया सामने कि इफ़ यू आर इन योर ट्वेंटीज एंड आप सोच रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सी लड़कियां करा रही हैं कि अच्छा बेबी बोटॉक्स करा लेते हैं यू you नो know, yeah. तो उनकी ये लॉ मैंने कहा इतनी जल्दी तो दे वर लाइक हम हमने सुना है कि हम अभी कराएंगे तो वो मसल को स्ट्रेंथन करेगा ताकि लेटर ईयर्स में जो वो मसल की मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है और जो स्टिफनेस आती है फेस पे वो कम हो जाती है अगर हम अभी से करें इज़ इट रियली ट्रू या ये एक मिसकंसेप्शन है बोटॉक्स के बारे में या बेबी बोटॉक्स के बारे में अच्छा रब ये सवाल दुरुस्त नहीं Okay, हाँ ना? है ना इस सवाल के दो हिस्से कर लेते हैं उसको उस तरह से जवाब देंगे बेबी बोटॉक्स मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है उन्नीस साल है। की लड़की कराए मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल करा लें जो दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि वो मसल को स्ट्रेंथन करता है ऐसा भी नहीं okay. बोटॉक्स मसल को स्ट्रेंथन नहीं करता बोटॉक्स मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसको रिटार्ड करता है चाहे okay. so, आपका अपर फेस बोटॉक्स हो फेस पे खास पॉइंट्स हैं मकदार में वो में बोटॉक्स कर जी वो कर, किया जा 20's सकते हैं जी जी अगर उनको चाहिए अब कुछ के लिप्स की शेप जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है थोड़ी उनकी है फेशियल फीचर ऐसा तो उनको बेहतर करने के लिए को और स्ट्रेच करने के लिए नेक लाइंस को प्रोमिनेंट करने के लिए नेक की जो ख़ूबसूरती है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए तो वो बोटॉक्स सिर्फ यहाँ नहीं लगाए जाते वो इन मसल्स पे भी लगाए जाते हैं वो यहाँ भी लगाए जाते हैं ब्राओ जो है आजकल आपको पता है लड़कियाँ पसंद नहीं करती बहुत वो क्या कराते हैं प्लग कराते हैं क्या वॉडी थ्रेड थ्रेड तो वो नहीं पसंद किया जाता बहुत ही शार्प लुक देता है हाँ। तो अगर आर्च कराना है तो बोटॉक्स एक बेबी बोटॉक्स के ज़रिए बहुत ही सॉफ्ट आर्च आ जा जाता है बाय द वे मैं भी नहीं कराती <laughs> मैं अब, आ, थ्रेड नहीं कराती okay. बोटॉक्स कराती हूँ यस yes, कभी कभी okay. तो यार yeah.

कर दे और आप बहुत एक अजीब एक्सप्रेशन mm -hmm. ना आए, तो बिल्कुल कराएं mm -hmm. लेकिन इससे ये अगर आप समझती हैं हैं कि स्ट्रेंथ हो जाते लिए आपके मसल को प्रोटेक्ट है या किसी तरीके सेम और यू नो बेटर इन लेटर ईयर बैठ के ना मैं गलत बात नहीं कर सकती ठीक है so मसल को स्ट्रेंथनिंग तो बिल्कुल नहीं देगा आगे रिंकलिंग से बचाएगा इसलिए आप उसको कह सकते हैं yeah, क्योंकि so, क्योंकि अगर आपने बोटॉक्स किया हुआ है और आप बार बार एक्सप्रेशन लाइंस क्यों पड़ती हैं आप एक्सप्रेशन करते हैं तो लाइंस पड़ती हैं ना yeah. और आप एक्सप्रेशन ऐसी चीज़ है आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते yeah. आप मुझसे बात करेंगे मेरे मुंह के पूरा हर चीज़ हिल रही है yeah. आप बात कर रही करिए yeah. तो ऐसा हो नहीं सकता हमारी लाइफ है लाइफ में हर तरह का एक्सप्रेशन है प्यार भी मोहब्बत भी है गुस्सा भी है हर चीज़ है तो वो उन एक्सप्रेशं की अगर आपको पहले से बेबी बोटॉक्स लगाए तो उसकी शिद्दत को कम जरूर कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता वो तो आपका बेट्वेंटीज में तो कॉलेजन इतना बन रहा होता है कि खुद मसल स्ट्रेंथ हुआ okay. हुआ होता है अगर उसको आप बेबी बोटॉक्स करा के और मजीद अच्छा करना चाहते हैं मजीद रिंकलिंग से बचना चाहते हैं, yes. okay. ये हेल्प कर so yes, okay. yes. so हैंज नहीं, नहीं।, yeah. नहीं करें हैं, कोई भी चीज आई डोट पीपल टू थिंक हम यहाँ बैठे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप जाके कुछ भी इस तरह का आर्टिफिशियल कराएं या कुछ भी कराएं दीज थिंग डन एंड आई थिंक कॉन्वर्सेशन जरूरी है सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम मिसकनसेप्शन को क्लियर करें मिथ्स को डी मिस्टिफाई करें एंड इन्फॉर्म डिसीजन करें दैट्स वाई वी आर हैसेशन एक क्लेश है सोसाइटी में yeah. कि ये आर्टिफिशल चीज़ें हाँ हर वो चीज़ जो आप अपने मुँह पे लगाते हैं मैंने इस वक्त ये भी किया हुआ है ये hmm. जो भी लगाया हुआ है शाजिया ने जो भी hmm. किया है दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशल हाँ हमने सोसाइटी में कुछ मैल प्रैक्टिसिंग गूगल डॉक्टर गूगल पे दिखा के hmm. इतना डरा दिया है लोगों को hmm. कि लोग कहते हैं oh, ओह oh, ओ ये तो आर्टिफ, आर्टिफिशियल क्या अदरवाइज एवरी थिंग एल्स इज़ आर्टिफिशियल बोटॉक्स के थेरेपिटिक यूज भी हैं माइग्रेन okay. uh, में फ़ायदा देता है बहुत hmm. सारे और चीज़ें हैं जिसमें हम बोटॉक्स hmm. देते हैं uh, दांत के ख़ास दर्द में बोटॉक्स दिया जाता है तो आ, ये कह देना सही नहीं है जस्टिफाई नहीं।, नहीं है बट ठीक है इसी मैंने इसीलिए मैंने कहा कि वो आ, लोग जो इस तरीके से सोचते हैं उनको हम ये क्लियर करें कि हम क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड देन क्या कौन किस मसल को रिटार्ड जहाँ भी मसल को रिटार्ड कर देंगे hmm. बोटॉक्स रिटार्ड कर देता है वहाँ दर्द नहीं होता okay. चाहे वो बॉडी का कोई भी हिस्सा हो हम वहाँ जब इंजेक्शन लगा के बोटॉक्स का रिटार्ड कर देंगे तो मसल पेन नहीं होगा ओके okay. बस पंजीरी हमने देसी खाने की बात की थी ओके okay. मुझे लगता है सर्दियों का वो टाइम है जहाँ पे वैसे ही आ जाता है कि चलो प, प, आ जाते कि खाएं पंजीरी दूसरा ये भी मिसकनसेप्शन हमारे कि हाँ नहीं अगर बर्थ दी है तो फिर उसके बाद ही आप खाएं या फिर कोई एक कमर का दर्द है किसी एज में तो फिर जाके खाएँ हालांकि जब मेरी और आपकी बात हुई तो वी वो टॉकिंग अबाउट कि हाउ यंग गर्ल्स शुड आल्सो स्टार्ट ईटिंग इट ताकि बाद में स्ट्रेंथ हो इस पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगी कुछ कहना चाहेंगी वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट उसकी, उसकी रीज़न हमारा लाइफ एक तो हमारे यहाँ फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है yeah. बहुत ज़्यादा फिर हमारी जो डाइट है वो वैसी नहीं रही हम बाहर से जो आने वाली डाइट है वो खा के बहुत खुश होते हैं हमारी अपनी चीज़ें और पंजी और फिर हम ऊपर से मल्टी वाइटामिन फाँक रहे होते हैं क्योंकि जो मल्टी वाइटामिन एक्चुअली है वो हम लेते नहीं हैं वो जो जाके डायरेक्ट गट में जाके आपके ब्लड को ताकत दे सकती है वो ये है कि उसमें मखाने भी हों गोंद भी हो और वो एक ख़ास वक्त के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने सिखा दिया ऐसा नहीं है बुज़ुर्गों ने गलत नहीं सिखाया बिल्कुल ठीक सिखाया है हम उस पर अमल नहीं करते वो उस वक्त में ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत है उस वक्त में लेकिन अगर आप एक चम्मच या डेढ़ चम्मच पंजीरी का वो आपकी नानी ने बनाई हो दादी ने बनाई हो आपने अपनी कोई रेसिपी से बनाई हो या बाहर से कहीं मंगवाई हो वो ले लें तो आप आई एम हंड्रेड परसेंट ये वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी और हार्मोन की प्रॉब्लम्स जो इतनी हो रही हैं जिससे सब कुछ इधर से उधर हो रहा है आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी इमोशनल भी बुनाई होगी मैं सिर्फ थी अंदर है. करती हैं आपके हार्मोन के इंबैलेंस को जब हॉर्मोन okay. इंबैलेंस होते हैं तो आप मैं आपको तो मतलब hmm. चिड़चिड़ाहट yeah. डिप्रेशन अकेले रहना रोना हर चीज़ को विक्टिमाइज करना अपने hmm. आप को बहुत सही चीज़ें शुरू हो जाती हैं पंजीरी एक्चुअली yeah, वो क्योंकि वो आपको अच्छा फील कराएगी hmm. ना आपकी मल्टी yeah, वाइटमिन है वो मल्टीवाइटमिन है जिसमें कोई एडिटिव नहीं है hmm. वो मल्टीवाइटामिन है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है hmm. जो आपको कैंसर या और इस तरह की बीमारियाँ नहीं दे सकता तो वाई नॉट टू स्टार्ट टूडे नाओ राइट नाओ बिकॉज हम भूल गए ओ ये भी वो तो एक खास कौन सी दुकान होती है जहाँ से वो मिलते हैं गोद मखाने टाइप के क्या नाम होती है उसका दुकान? दुकान जो ड्राई फ्रूट की दुकान होती है या अपन जी उसको क्या बोलते हैं पंसार यस yes. oh, wow. पंसार की दुकान तो क्या कितनी वो दुकानिकल बिकॉज मेरा ब्रांड है ना तो मुझे पता है <laughs> पंसार तो पंसार की ओ अच्छा ये तो ग्रोसरी ऐसे तो ग्रोसरी स्टोर पर जाना ही नहीं है जहाँ ये खुली चीजें मिल रही होती हैं वहाँ जाना है जहाँ पैकेट में डाल के चीजें हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बहुत है कोई बात नहीं है शेल्फ लाइफ जो भी सही चीज होगी उसकी कम होती है अच्छा मुझे तो ये भी बड़ा होता है ना मुझे भी होता है सुना भी है ओ ये फैटनिंग होती है ये वेट पुट ऑन बिल्कुल फैटनिंग कैसे फैटनिंग हो सकती है मैं तो यही तो, तो मैं आ, अच्छा अजीब बात है अजीब लोग हैं हम दिमाग से तो सो, जो ऑयल पका रहे हैं वो एड टीवी पे चले जा रहे हैं कैनोला ऑयल तो सोयाबीन ऑयल तो सूरजमुखी ऑयल ये सब वेजिटेबल्स है ना प्लांट है ना तो ये जो मखाने गोंद क्या है ये ये भी वही हैं अच्छा उनका ऑयल खा लेंगे इनका ऑयल फॉइटनिंग मतलब सोचा तो करें यार <laughs> बस आज से हम सब पंजीरी शुरू करें मैं तो डर गई हूँ आई विल नो आप फिर आप स्टॉप टेकिंग देन आप ये लें hmm. अच्छा चलें कंपैरेटिव स्टडी कर लें अपनी hmm. नहीं, एक, नहीं मैं कन्विंस्ड हूं नहीं एक दो महीना आप yeah. okay. लें विटामिन डी की टेबलेट्स ठीक है लें और एक दो महीना आप लें पंजीरी डेली डेढ़ चम्मच दो चम्मच चाय के साथ वट चलते फिरते एंड देन आप अपना टेस्ट करवा मैं आपको बताऊँ मैं पंजीरी खाना शुरू करती हूँ ना मुझसे हाथ नहीं रुकता है <laughs> मैं पूरा बोल सही थैंक यू और फिर मैं क्या it. करती हूँ मैं तो मैं तो डालती हूँ पंजीरी अच्छा मेरे हुँ. तो ब्रांड का है तो हुँ. वो मैं जब कॉल करती हूँ तो बच्चे हंसते हैं मुझ पर लड़के वो ना जिनसे मैं कहती हूँ दो भेज देना डॉक्टर साहब सबको लगता है पता नहीं कितने हर रोज उनके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं पंजीरियाँ ही खाए जा रही हैं नहीं लेकिन वो मेरा स्नैक है फ्रेंकली Uh, मैं खाना बहुत ज़्यादा मेदार में नहीं खाती बट मैं ऐसी चीज़ें ज्यादा लेती हूँ तो प्रॉब्लम उस अल्लाह का करम है लेकिन अगर वो थोड़ा सा आप गर्म कर ले पंजीरी को खाते हो हो क्या टेस्ट है उसका मजे का होता है हाँ बहुत अच्छा टेस्ट है हम बात करेंगे एक्नी के बारे में लेकिन थोड़ी देर में उस लिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा राइट नाउ वी टॉक अबाउट ग्लास स्किन ये जो कोरियन स्किन केयर है ना ये मुझे मुझे बड़ा तंग किया हुआ है मैं हाँ। सोचती हूँ कि हमारी देसी स्किन इतनी डिफरेंट है उन लोगों से तो ये जो सारे कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और जो टेक्निक्स हैं डू दे रियली वर्क ऑन अस क्या ग्लास स्किन एग्जिस्ट करती है अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए ओके ठीक है मेरी स्किन किसी कोरियन लड़की की स्किन नहीं बन सकती वहाँ जीन्स है ठीक है लेकिन जो मेरी स्किन है वो ये ज़रूर हो सकता है कि मैं उसे ल्यूमिनस कर लूँ मैं okay. उसे स्पॉट फ्री कर लूँ hmm. मैं उन स्पॉट्स को बहुत मध्यम कर लूँ yeah. ये ज़रूर हो सकता है ठीक. लेकिन मेरी अम्मी और मेरे इन्वामेंट और जहाँ मैं पैदा हुई हूँ hmm. जिस तरह से मेरी स्किन है वो मैं ट्रांसफ़ॉर्म किसी और चीज़ में नहीं हो सकती ये गलत दावे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता जो आ, हमने कोरियंस के साथ काम किया है हाँ उनकी स्किन कोरियन चाइनीज या जितने इस तरह इस तरफ के लोग हैं उनकी स्किन उस तरह की होती है हाँ और जिस तरीके से वो लोग बहुत स्किन में वो काम कर रहे हैं स्थेटिक्स में वो काम कर रहे हैं बट डजन मीन कि आप अगर ये जो क्या राउंड लाइट होती है वो लगा के सामने और आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं तो आपको ऐसा हमारे यहाँ अपार्टमेंट लिविंग हो गई है छोटे घरों में रह, रहते हैं हम घर के अंदर मौजूद होते हैं बड़े बड़े घर भी तो हैं वो तो उनके अंदर हैं हम धूप में नहीं बाहर जाते हम ऑक्सीजन नहीं लेते उस तरह से उस खुली फजा में जाके ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपकी स्किन की आपकी बाल की हेल्थ पे आपकी अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे हर चीज़ काउंट होती है okay. और आप निकाल दें लिक्विड ऑक्सीजन और आप निकाल दें गैस ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन आप सोचें ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी नेमत है कभी अगर आपने सोचा हो जिसको हम कभी अल्लाह ना करे कोई वेंटिलेटर पे जाता है पर डे वेंटिलेटर का कितना खर्चा है अल्लाह आपको फ्री दिया हुआ है है ना? True. हम इस नेमत का भी शुक्र नहीं करते और इस नेमत को उस तरह से इन्जॉय भी नहीं करते yeah. तो और फिर चूंकि अब पोल्यूशन ओवर वैसी दुनिया हो रही है तो वो ऑक्सीजन भी अब हमारे लिए कम पड़ती है जो हमारा लाइफ है उसकी वजह से और ज़्यादा yeah. तो हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करें जिसमें ऑक्सीजन हमारी स्किन में हमारे बालों में इन्फ्यूज़ हो हम बालों को रोज़ वॉश करें हम आ, स्किन को वॉश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 40 मिनट्स 45 मिनट्स कोई वॉक कोई जॉग कर लें जिनसे जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी ईच एंड एवरी सेल में जाए हम क्यों ना ऐसी चीज़ें करें कि डायरेक्ट हमारी यू नो you know, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिले सो so, उससे आपकी एक्नी ख़त्म होती है उससे आपके ब्लमिश कम होते हैं उससे आपकी जो रिंकलिंग माहौल से आ रही होती है वो कम होती है वो कॉलेजन नहीं बनता बग़ैर ऑक्सीजन के, के okay. वो जो आप कह रहे हैं सैगी हो गई है स्किन सैगी हो गई है वो होगी सैगी क्यों नहीं होगी रिंकल्स क्यों नहीं होंगे डार्क स्पॉट्स क्यों नहीं होंगे सन डैमेज आपको ज़्यादा क्यों नहीं करेगा बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन सो आप कह रही हैं कि जो हमारी स्किन को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लाइफस्टाइल डाइट यस डाइट में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही डाइट में भी मैं फ्रीज करके खाने बना रही हूँ और रख रही हूँ खत्म जो बड़ों ने हमें सिखाया है फ्रेश पका हुआ खाना फ्रेश पका हुआ खाना सब्जियाँ जी और अब आपने उस मट्टी में भी वो मट्टी भी वैसे फर्टाइल नहीं रही उसके बाद आप उसमें पेस्टिसाइड्स भी डाल रहे हैं अगर आप फर्टिलाइज़र डाल भी रहे हैं तो उसमें पता नहीं क्या है क्या आर्टिफिशियल चीज़ें तो आपको तो ये भरोसा भी नहीं है कि जो आप अमरूद खा रहे हैं वो अमरूद वो है जो किताबों में लिखा है कि इतनी कैलरीज इसमें ये ये चीज़ें हैं आपको लिटरली लगता है ऐसा है हर चीज़ आर्टिफिशियल हो चुकी है राबैया तो इससे वो जो आप खा रहे हैं वो भी आप सही नहीं हैं सो so, हमारी ज़िंदगी में हमें एफर्ट इस तरह ज़रूर करनी चाहिए कि इन एडिशन टू तो द क्रीम्स yes. और जो लगा रहे हैं हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई हमारी स्किन पे है। जरूरी है ज़रूरी है आप अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ें बढ़ाएं जिसमें आप आ, अगर कभी किसी आपने अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को अगर कभी पढ़ाओ तो कैंसर या इस तरह की जो भी टर्मिनल स्टेज होती है जिन डिजीज़ में तो लोग बोलते हैं अच्छा वो वाली सब्जी खा लो अच्छा ऐसा करो गंदम को आ, क्या कहते हैं थोड़े दिन रखो पौधे के अंदर और उसके जो नई जो स्प्राउट्स आए उसको लेके खाओ क्यों इसलिए कि जितनी एम्पल क्वांटिटी ऑक्सीजन की उन स्प्राउट्स में है किसी और चीज़ में नहीं है राब्यास okay, okay. yes. so, आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है इन चीज़ों से और वो जो आपके गंदे सेल्स होते हैं वो मरते हैं चाहे वो किसी भी शक्ल में हो चाहे कैंसर की शक्ल में हो या किसी और डिजीज की शक्ल में हो चाहे रिंकल्स की शक्ल में हो चाहे डार्क uh, पिगमेंट की शक्ल में हो चाहे डार्क सर्कल्स की शक्ल में हो okay. सब कुछ अच्छा कमिंग टू ग्लास स्किन रिसेंटली आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ग्लास स्किन फेशियल जी आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट क्योंकि जब मैं उसका एड दिया आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ ऐड hmm. तो बना सब हो रहा है आपको ये पता है दिस इज समथिंग आई डिजाइन फॉर माई सेल्फ क्यों क्या वजह थी नहीं नहीं मैं क्यूरियस यही थी मुझे ये पूछना था क्योंकि आपने मुझे बताया कि ये मैंने खुद इसको यू नो कॉन्सेपचुलाइज किया है सो आई वॉन्ट टू नो वट कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी इंस्पिरेशन कहाँ से हुई या अपने, रीजन आप, क्या से, हुआ? अपने okay. आप से अपने आप से मैं खुद प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी और मुझे लगता था प्रोसीजर भी करा रही होती थी लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी उनसे मुझे लगता था कि यार नहीं अभी नहीं ये इस ये चीज़ और होना नहीं चाहिए हाँ. और फिर देखिए मेरी शायद बाकी खातन जो मैं कट करी लेकिन क्या चीज़ें थी जो आपको नहीं नज़र आ रही थी जब आप कोई चीज़ करा रही थी तो क्या दो तीन चीज़ें थी जो आप गई थी यार ये मुझे विच कुड बी कि मे बी ट्वेंटी परसेंट ग्लो आ रहा है लेकिन आप एटी परसेंट चाह रही थी तो इस तरह अगर हमें आप बता दें क्या दो मुझे थी वो थी? आप अगर आम अल्फाज में मैं बताऊँ तो मुझे वो ग्लो नहीं मिलता था मुझे वो हाइड्रेशन वो सपलनेस वो सॉफ्टनेस जो चाहिए थी आ, वो नहीं मिलती थी वो प्लम्पनेस मैं ना बजाय इसके कि मैं उस पर जाऊँ जी और टाइटनेस भी इवन जब प्लम्पनेस आएगी तो टाइटनेस खुद आएगी है ना मतलब लॉजिकल है तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी मैंने कितनी सारी चीज़ें जब होता था तो मैं, मैं अच्छा मुझ पे करें अच्छा मुझ पे करें फिर वो मेरी डार्क सर्कल्स कुछ भी करा लो डार्क सर्कल्स वहीं के वहीं रह रहे हैं आ, जो स्किन की शाइन जो एक्चुअली मेरी अम्मा से मुझे बहुत अच्छी स्किन मिली है तो लेकिन मुझे चूँकि मेरी मसरूफियात चीज़ें बिल्कुल ख्याल नहीं रख सक पा रही उस तरह की लाइफ है तो मुझे लगता था कि कोई भी चीज़ इस तरह से मुझे मुझ पर क्यों नहीं असर करी या मैं कहती तो थी यार मैं एज कर रही हूँ शायद जो पहले असर कर रही थी अब उस तरह से नहीं आया तो मैं ये सारी खुद उलझती थी इन सारी चीज़ों में देन उसके बाद जब मैंने ये ख़ुद करना शुरू किया और मैंने पहले एक चीज़ कराई फिर मैंने दो तीन चीज़ें और ऐड करके उसको दोबारा कराया दस दिन बाद तो फिर सोचा तो बड़े मजे की चीज है तो, तो बहुत देदाना अच्छे, देदाना अच्छे आ रहे हैं और ये बाय द वे जिस इस मशीन को मैं इस फेशियल के लिए यूज कर रही हूँ uh, yes. तो मैंने उनसे जिससे मैं so, कंपनी से बनवा रही थी मैंने उनसे कहा मुझे ये चीज चाहिए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा इस डिस्क के साथ ऑक्सीजन का फ्लो हो तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया कि आपकी स्किन के ऊपर अगर जाता भी है एक तो वो आपकी स्किन को कोई मतलब अगर हाइपर सेंसिटिव स्किन भी है तो मुझे ये मेक श्योर sure करना था कि ऐसा ना हो कि इसके बाद कोई सेंसिटिव हाँ तो इसलिए इसमें आप 100 परसेंट गारंटी है कि आपको कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपका पढ़ रही थी उसमें ऑक्सीजनेशन है ऑक्साइड क्या आप डायरेक्ट इंड्यूस कर रही हैं या सप्लाई कर रही हैं, जी so, ये कुछ तो ये प्रोडक्ट्स है. ऐसी हैं और कुछ मशीन बेस्ड चीज़ें, कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली और कुछ लिक्विड ऑक्सीजन टाइप की चीज है ऑल दो इस तरह से बहुत एग्जिस्ट नहीं वो करती लेकिन लिक्विड और गैस को मिलाकर हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है ऑक्सीजन का कि वो इन्फ्यूज करें डायरेक्ट आपके फेशियल स्किन में so या नेक की स्किन में इन्फ्यूज इन्फ्यूज नॉट इंड्यूस ओके मैं सही ऑक्सीजन आपकी स्किन में yes, इस फेशियल yes. uh, के जी तो जी. वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि किसने ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो वो डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है आपकी uh... और उसमें आपके सेल ये आप समझें कि uh, जिंदा हो रहे हैं okay. ये समझ लें नॉट बिकॉज ऑफ योर एज बिकॉज ऑफ योर रूटीन बिकॉज ऑफ़ योर इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल तो वो दोबारा एक ऑक्सीजन पत्ते हरे हो जाते hmm. हैं बिल्कुल उस तरह की चीज़ है आप इसको ले मैन की लैंग्वेज में मैं इससे ज़्यादा और नहीं आई थिंक बना बता सकती तो क्या ये चीज़ और जगहों पर ऑफर नहीं हो रही है अभी ऑक्सीजन उसकी लास्टिंग उसमें यूज होने वाली चीज़ और उससे आपको फ़र्क क्या पड़ रहा है ये बाकी दूसरों से बहुत फर्क इसमें आपने कहा आपने दो तीन तरह की कॉम्बिनेशन हैं टैबलेट्स हैं इन्फ्यूजन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हम डायरेक्ट यूज करवाते हैं और कुछ मशीन्स के साथ हैं तो ये सारी चीज़ें okay, के आप ये समझ लें कि कपड़ा होता है ना जब मैला होता है ना डिटर्जेंट से आप धोते हैं ठीक लेकिन उस डिटर्जेंट में केमिकल होता है हाँ और आपके कपड़े की लाइफ कम होती है ये एक ऐसा डिटर्जेंट है जिसमें केमिकल नहीं है जो आपके फेस को कोई हार्शली डील नहीं करेगा आपके फेस की लाइफ और रौनक बढ़ाएगा इसके अलावा क्या दो तीन स्टेप्स हैं या स्टेप्स तो नहीं मतलब दो तीन क्या हाईलाइट करेंगी चीज़ें इस फेशियल की दैट यू थिंक लोगों को और भी पता चलेगा देखिए आपको पता है ना ब्लड सर्कुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है जहाँ सर्कुलेशन होता है वहाँ जिंदगी होती है है ना आ, तो इसलिए ये एक दो तकरीबन दो घंटे का एक एक्सपीरियंस है टू आवर्स यस जिसमें कि फोर्टी टू फिफ्टी मिनट्स सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में तरीके से ट्रेंड सर्टिफाइड थेरेपिस्ट आपको डील करती है जो सिर्फ आपका मसाज करती है अपने वक्त okay. और वो वो मसाज नहीं है और डायरेक्शन उसकी डिफरेंट हैं उसकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं जो वो मेक श्योर करेगी कि आपकी स्किन के हर सेल में एब्जॉर्ब हो जाए

मसाज के बाद अपने फेस में फर्क भी लगता है ओके एंड आई आल्सो रीड अबाउट आरएफ यस एंड कोल्ड पैक थेरेपी भी है ये दो चीजें भी हैं इसमें जी उनसे क्या होता है देखिए आरएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है yeah. जिसकी और कोई अल्टरनेट नहीं है ठीक okay. है सो so, वो एक प्रोब है जो आपके ओपन पोर्स को और आपकी एक्ने स्कारिंग को टारगेट करता है राइट okay. right? और जो आपने अभी फ्रोजन थेरेपी की बात की है वो आपके पोर्स को और आपकी स्किन को टाइट करता है ठीक okay. है और जो आपकी आ, सु, आ, स्वेलिंग वगैरह फेस पे होती है उसको कम करता है इसीलिए आपने देखा वो एक क्या दिखा मैं ठंडे पानी, पानी, पानी में मुंह डालो मेकअप से पहले और ये सब ये तो वो उस सारी चीज़ में इंक्लूडेड है तो ये एक एक्सलेंट ट्रीटमेंट है बिफोर गोइंग टू एनी इवेंट और बिफोर गेटिंग रेडी टू योर वट आपकी सेलिब्रेशन है कोई उसके लिए बाय द वे लोग ये सुन के समझ रहे होंगे कि शायद हमारा एज ग्रुप जो है mm -hmm. वो ये करा सकता है एक्नी होता क्यों है टीनेज mm -hmm. जो लड़कियां हैं yeah. इसलिए कि बैक्टीरियाज़ वहाँ जम जाते हैं mm -hmm. बैक्टीरियाज़ को कौन ख़त्म कर सकता है ऑक्सीजन सफ़ाई तो ऑक्सीजन उस जगह की क्लेंजिंग कर देता है okay. तो मज़ीद नहीं आती जो होती है वो बैठ जाती है जो ऑलरेडी उसके मार्क्स वगैरह रहे हुए हैं इसमें सिरम्स और इसमें चीज़ों की वजह से वो आपको एकदम से उसमें आ, अपनी नई स्किन लगती है सो यू आर सेंक यू फॉर यंग गर्ल्स यह प्रॉब्लम उनके लिए ये बड़ा yes, है या जिनकी बहुत ऑयली स्किन है okay, या उनके लिए भी अच्छा है। जी जिनके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए एक्सीलेंट है क्योंकि इसमें हम आर एफ का एक प्रोब भी यूज़ कर रहे हैं ना जिससे yeah. उनके ओपन पोर्स भी बंद होंगे yeah. और एक्सफोलिएशन uh, बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ भी उतर जाएगी और ख़त्म होगी बहुत दफ़ा लोग हेजिटेंट होते हैं उन्हें लगता है कि स्किन केयर के जो प्रोसीजर्स हैं फेशियल्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कहेंगे वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट कि आप अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करें uh, चाहे वो थोड़ा महंगा भी लग रहा हो लेकिन वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन योर स्किन मुझे बताएं ना अगर आप कोरियन स्किन केयर या बाहर की जो भी रेजुमन है उसको फॉलो करते हैं और पूरा सारे का सारा सामान मंगाते हैं तो वो सस्ता मिलता है और आपको ये नहीं पता कि उससे आप 10 दिन तो बहुत खुश हो रहे हैं लेकिन उसके बाद इस स्किन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यहाँ तो हम गारंटी दे रहे हैं कि कोई नहीं फर्क पड़ेगा सिवाय अच्छे के तो आप मुझे तो लगता है कि आप अपनी स्किन में इन्वेस्ट करें बालों में इन्वेस्ट करें ये ज्यादा बेहतर है बनस्बत के आपको एक बहुत महंगा जोड़ा ले लें <laughs> क्योंकि आप जितने महंगे कपड़े और जितने महंगे जूते पहन लें मिरर तो ये है या, या। थूप, थूप। आई एम क्वाइट इम्प्रेस कि आपने इतनी एफर्ट की कि मशीन मुझे तो इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि मशीन को भी हाफ आपने यहीं पे उसको रिवाइज कराया है मशीन कुछ और से थी नहीं वहाँ पे नहीं मैंने करवाया वो उसको बाहर से ही, ही है आपने आपने अपने लेकिन मैंने उन्हें कहा कि तीन हाँ। प्रोब इसके अंदर ऐड करें इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि हमारी अपनी इंडस्ट्री में लोग जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और इस बिकॉज आपकी बेसिक्स अगर मजबूत होती जाएंगी तो आप इस पर और बिल्टअअप करते जाते हैं ना तो मुझे ये प्रोसीजर ये प्रोसेस लग रहा है जो आपने बताया फिर देन देखिए ऑल्सो कि मैं ये डालू ये डालू तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग uh, लगी है ये उन्हें बताएं जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कि पाकिस्तान का आम मुझे लगता है कि हम सब में हम सब में इतना टैलेंट मौजूद है yeah. थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है हम दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं आई hmm. स्वेयर मैं तो अपनी फटर्निटी की बात कर रही हूँ हम बेहतरीन एक्टर्स hmm. हैं हमारे पास बेहतरीन डी हैं बट शायद सिस्टम में अगर हम खुद अपने अपने तौर पर मैं ठीक हो जाऊँ आप ठीक yeah. हो जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो जाएँ hmm. okay. तो ब्रेन ड्रेन ना करें <laughs> ये जाना चाहिए लिटरली जाना hmm. चाहिए ये मैसेज आपके प्रोग्राम से सो इट्स टू आवर्स प्लस एंड लॉट ऑफ

एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर शेयरिंग इन डिटेल कि क्या क्या चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें भी आपने क्लियर कर दी नाउ आई लास्ट पॉइंट एक्ने से रिलेटेड आइसोट्रेट मैं सही नाम ले रही हूँ आइसोट्रेट ये आइसोलेट मैं uh, बहुत लड़कियों को मैं सुनती हूँ जिनका एक्ने का इशू है कि ओ जी. ये ले लें ये ले लें लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसकी बहुत uh, ये भी सुना है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन uh, से मिलता है वो एंड यू शूड बी केयरफुल अबाउट यूजिंग इट तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इज़ इट रियली द मेडिकल क्योर टू मेडिकल क्योर तो बिल्कुल है ऐटनी के लिए लेकिन है? हर एक्नी okay, के लिए नहीं। जी, हर एक्नी okay. के लिए नहीं है वो डॉक्टर के पास जाकर अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और चूंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगी पड़ोसन से पूछ के नहीं लेंगी hmm. या मेरी फ्रेंड ने लिया था तो मैं भी ले रही हूँ आप अगर शादी हैं या लिट्टेटिंग मदर हैं या आपकी शादी होने वाली है जल्द तो प्लीज़ ना लें इसको हाँ ये एहतियात थोड़ी सी करनी होती है और फिर आ, इसका एक ख़ास मखसूस कोर्स होता है ये नहीं होता कि एक महीना आपने लिया और छोड़ दिया और उसके बाद थोड़ी दिन के लिए एक्निंग बंद होगा फिर दोबारा आ जाएगा और इसके लिए इसको देने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं okay. वो ज़रूर कराएँ तो इसके लिए आपको डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है मेडिकल स्टोर से वो काउंटर चीज़ ना लें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करता तब तक ये प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते डॉक्टर साहब वर्ड के बहुत से लोग डिप्रेशन भी फेस करते हैं जैसे अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में वो हाईलाइट हो जाती हैं कुछ बॉडी में चेंजेस भी आते हैं ये सब चीजें हैं क्या हाँ लॉन्ग टर्म आप यूज कर रहे हैं देखिए फिर अगेन आप जरूरत है या नहीं है हर एक के पेशेंट को ये नहीं दी जा सकती इससे बाल आपके इफेक्ट होते हैं मूड इफेक्ट होता है, बोन का पेन है जी हाँ इस तरह की चीजें हैं लेकिन ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है हर एक को नहीं होता है okay, ये डॉक्टर की समझ और आपके पहले टेस्ट होंगे अगर वो mm -hmm. टेस्ट क्लियर आ जाएंगे तो हम आपको उस पे लगा देंगे अगर आप कैंडिडेट ही नहीं है थैंक यू फॉर याइम थैंक यू सो मच राबा थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग सच ग्रेट इंफॉर्मेशन विद्यूकम